नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। नवी मुंबई बेलापुर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और केंद्रीय जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल द्वारा किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार उपस्थित थे। परियोजना ने मुंबई उपनगरों के बीच एक जलमार्ग सेवा शुरू की है और इस परियोजना के लिए 8,37,00,000 रुपए खर्च किए गए हैं। महाराष्ट्र मैरीटाइम्स बोर्ड ने 50% और केंद्र सरकार ने सागरमाला प्रोजेक्ट पर 50% खर्च किया है। इस वाटर टैक्सी सेवा के माध्यम से भौचार ढाका से बेलापुर जेट्टी और बेलापुर में एलिफेंटा की सेवा शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए आवश्यक घाट महाराष्ट्र मैरीटाइम्स बोर्ड के माध्यम से स्थापित किया गया है और यह सेवा भविष्य में ठाणे, कल्याण, डोबीवली में भी शुरू की जानी चाहिए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, मत्स्य एवं बंदरगाह मंत्री असलम शेख, मत्स्य पालन एवं बंदरगाह राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार, सांसद राजन विचारे, स्थानीय विधायक श्रीमती मंदाताई मात्रे, राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव आशीष कुमार सिंह, डॉक्टर संजय मुखर्जी, जनरल मैनेजिंग डायरेक्टर सिडको राजीव जलोटा, कमिश्नर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट अमित सैनी, मैनेजिंग डायरेक्टर मैरीटाइम्स बोर्ड राजेश नरवेकर, जिला कलेक्टर ठाणे मौजूद रहे। इंडिया फर्स्ट डिजिटल टीवी मीडिया नवी मुंबई टाइम्स न्यूज। ताज़ा तरीन देश विदेश की खबरों को देखने के लिए YouTube पर सर्च करें NMT News। NMT News को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन और पाएं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, नवी मुंबई, ठाणे की ताज़ा तरीन खबरें सिर्फ नवी मुंबई टाइम्स न्यूज पर।